So, welcome, guys. Welcome to my channel. In this video, we will be talking to you about our new chapter that is chemical bonding. तो केमिकल बॉन्डिंग हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जीओ होता है ना ठीक वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला जो अभी पढ़ा रहे हो ना इस चैप्टर को इस चैप्टर को अगर आप समझ लिए तो आप इनऑर्गेनिक के मास्टर बन गए तो आपको इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से मैं इस वीडियो में समझाऊंगी भी और आपको समझ में आना भी चाहिए चाहे आप किसी भी अद, अदर सोर्स से पढ़ो ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को इस चैप्टर की शुरुआत ही इसी से होती है क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग नाम से होती है देखो केमिकल बॉन्डिंग नाम आपको सुन आपने सुना ही होगा और इस नाम में ही इसका रास छुपा है क्या छुपा है रास छुपा है देखो यहाँ पर बोला गया बॉन्डिंग बॉन्डिंग मतलब दोनों के बीच का कनेक्शन अच्छा बॉन्डिंग किस में होती है बॉन्डिंग एक इंसान में हो सकती है नहीं हो सकती बॉन्डिंग दो इंसान नहीं और फिर दो सब्सटेंस दो किसी भी चीज का दो यूनिट क्या करती है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है ठीक है ना तो अगर यहाँ पे मैं केमिकल वाला वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे केमिकल्स होंगे दो वो क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे समझ रहे हो अब केमिकल्स आप केमिस्ट्री में क्या केमिकल्स पढ़ते हो एटम्स को ही पढ़ते हो केमिकल्स में तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है तो यहाँ पे अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन भी लिखूँ क्या केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज होती है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इट इज द बॉन्डिंग ये भी लिख सकते हो आप ऐसा कुछ नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन टू एटम्स अच्छा दो एटम्स ही होंगे या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं देखो आप अगर केमिकल बॉन्डिंग में और भी आगे चलेंगे ना तो आपको दो एटम्स से भी ज्यादा बहुत सारे अलग अलग बॉन्डिंग के कंपाउंड्स uh, भी दिख जाएंगे ठीक है ना तो इसे आप हाँ मैं क्या बोलूंगी टू और मोर देन टू क्या मोर देन टू एटम्स अच्छा अगर ये एटम्स कंबाइन करेंगे तो क्या होगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा ये चीज अगर आपको नहीं पता तो अभी बता देती हूँ ना अभी जो मैंने कंपाउंड बोला ना कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ठीक है ना अच्छा क्यों क्यों करना चाहते हैं बॉन्डिंग बॉन्डिंग के पीछे का भी राज पता होना चाहिए देखो बॉन्डिंग तभी इंसान करता है किसी के साथ या दोस्ती तभी करता है जब उसका कोई फायदा हो है ना ठीक वैसे ही एटम का भी एक फायदा होता है क्या फायदा होता है एटम का जो अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो एटीन ग्रुप के जो भी एलिमेंट एलिमेंट्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो उनको जरूरत नहीं है बॉन्डिंग बनाने की क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है अपने लाइफ में पर जो आप पीरियोडिक टेबल में जो बाकी के ग्रुप्स को देखते हो उन सब में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज्यादा है कुछ कुछ जगह पर और उसके चलते उनका जो एलिमेंट है उनका जो घर है मान लो या फिर उनकी कंपनी मान लो चलो तो वो क्या है वो अनस्टेबल है तो ऐसी ऐसी हालत में उनको क्या करना पड़ता है अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ता है और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती है इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है ठीक है ना तो मोर देन टू एटम्स भी कभी कभी इन्वॉल्व होते हैं क्यू टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल ठीक है ना टू फॉर्म स्टेबल मोलिक्यूल अच्छा और इसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं किस किस हद तक देखो आपके फ्रेंड्स होते हैं आप अपने अपने फायदे के लिए फ्रेंड्स बनाते हो बनाते हो कि नहीं अब देखो आपके फ्रेंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अगर आपको पार्टी करनी हो तो आप ऐसे फ्रेंड्स को बनाओगे जो कि पार्टी में इंटरेस्ट रखता हो आप कभी कभी स्पोर्ट्स में भी होते हो तो आपके स्पोर्ट्स के भी कुछ डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं अगर आप स्कूल में होते हो तो आपके स्कूल के कुछ स्टडी रिलेटेड फ्रेंड्स भी होते हैं जैसे टॉपर है, है ना तो वो आपको पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं तो आपके विभिन्न प्रकार के फ्रेंड्स हैं ठीक वैसे ही बॉन्ड्स भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं कैसे कैसे तरीके के एक आयनिक बॉन्ड देखो दोस्तों एक मॉलिक्यूल मतलब कि एक इंसान ठीक है ना एक मॉलिक्यूल मतलब कि एक इंसान और यह है दूसरा मॉलिक्यूल चलो मॉलिक्यूल नहीं एलिमेंट पकड़ लो क्या पकड़ लो एलिमेंट जैसे कि यह है सोडियम यह है कैल्शियम क्लोरीन ये दोनों अपने न्यूट्रल स्टेट में है न्यूट्रल मतलब इनमें कुछ मतलब ये दोनों इंसान है बस चलो मैं एक इंसान हूँ ये एक इंसान ये एक इंसान है ये एक इंसान है इन दोनों दोनों को कोई परवाह नहीं है कि ये इससे दोस्ती करे मतलब कि ये दोनों जस्ट अभी न्यू न्यू एडमिशन हुए किसी भी स्कूल में इनको कुछ नहीं पता आपस में अगर इसको इससे दोस्ती बनानी है तो ये कैसे दोस्ती बनाएगा तो ये चार तरीकों से दोस्ती बना सकता है यही चीज यहाँ पे कही गई है तो पहले है आयनिक बॉन्ड ठीक है ना अच्छा और क्या क्या हाँ तरीकों से वो अपने दोस्त को बना सकता है अच्छा आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ये अपना आयन शेयर करके दोस्ती बना सकता है पहली बात तो ये मतलब कि मैं अपना पेंसिल उसको दूंगी और वो उस पेंसिल को लेगा और इससे हमारी दोस्ती बन जाएगी तो ठीक ऐसा ही ठीक है ना इसको मतलब रिलेट कर लेना दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड इसका मतलब पता है क्या है कि मैं उसको अपना खाना दूंगी वो भी मुझे अपना खाना देगा मतलब शेयरिंग ठीक है ना तो यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ओके तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये पता है कौन सी वाली दोस्ती है ये ना अमीर और गरीब के बीच का दोस्ती है मतलब गरीब कुछ दे नहीं सकता पर अमीर को के पास देने के लिए सब कुछ होता है तो अमीर ही अपना क्या करता है पूरा पैसा दे देता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है गरीब को ठीक है ना तो यहाँ पे वो वाला बॉन्ड दिखता है मतलब यहाँ पे गरीब कुछ दे नहीं पाता इन रिटर्न तो यहाँ पे शेयरिंग तो नहीं बोल सकते बट केयरिंग बोल सकते हैं तो चलो बात करते हैं आगे चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है ये हम आ, पढ़ चुके हैं आगे भी और अभी भी पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आइस में देखने को मिलेगी जो कि एक क्या बनाती है स्ट्रक्चर बनाती है है ना आइस क्यूब की स्ट्रक्चर्स जो आपने देखी है वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की फिर हम कोवैलेंड में जाएंगे कोवैलेंड की जस्ट डेफिनेशन देखेंगे मैं भी ओवरव्यू दे देती हूँ फिर हम कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में ज्यादा कुछ नहीं है जस्ट डेफिनेशन ही है पर इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो क्या होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है यहाँ पे योगदान होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड को ही आप इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हो ठीक है ना उस पर भी मेरे को एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा अलग से समझ लो और ये पूरा वीडियो फोर पार्ट्स में होगा पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीनों को ये जो ये तीन दिख रहे हैं ना आपको इन तीनों को मैं ऐसे निपटा सकती हूँ इस वीडियो में पर मैं ऐसा नहीं चाहती मैं आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाना चाहती हूं ठीक है ना तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आयनिक बॉन्ड से से पहले आप इतना से लिख लो तो दोस्तों अब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में तो हेडिंग लगाइए आयनिक बॉन्ड पहली बात तो ये जो मेन टॉपिक होगा उसको मैं इस तरह से अंडरलाइन करूंगी मैं पहले ही बता देती हूँ सब टॉपिक्स को मैं जस्ट सिंगल वाले हाफ क्लाउड से रिप्रेजेंट करूंगी ठीक है तो चलो अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मतलब वो ये बताता है कि जो दोस्ती है वो आयनिक फॉर्म में होगी मतलब जो बॉन्डिंग होगी दोनों में वो आयन शेयर करके होगी अब मैंने एनए का इस्तेमाल किया था ठीक है ना तो आयनिक बॉन्ड्स के आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए ठीक है ना तो चलो बात करते हैं हमारा पहला आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल जो कि है एन क्या सी और क्या एन

कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी कंपनी में तो ऐसे ही कुछ कर रहा है एन ना अपने कंपनी में बैठ के ठीक है तो ये एन का घर है और ये क्लोरिन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा पहले बनाना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो चलो एन की हेल्प करते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एन की देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एन की क्या होती है एनी मतलब कि नियॉन प्लस थ्री क्या होता है नियोन प्लस थ्री एस तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है नियॉन का मतलब तो आपको पता चल गया हरभजन नेहरा नेहरा मतलब कि जस्ट ए टेंथ वाला नियोन, नियोन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है टेन है और टेन प्लस वन इलेवन है ना तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेबल है ऑर्बिट जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है पर थ्री एस वन जो कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से ये जो ए, इसका जो स्ट्रक्चर है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है एटम में वो क्या कर रहा है उनको अनस्टेबिलिटी क्रिएट करके दे रही है उनको दिक्कत दिला रही है अपने कंपनी में तो ये चीज एने जब राउंड मार रहा था अपने ऑफिस में उसने ऑब्जर्व करी उसने उस इलेक्ट्रॉन को बोला मतलब उसने इसको बोला ये जो ये जो है ना एक्स्ट्रा इसको बोला कि आपको मैं ना अपने कंपनी से निकालना तो नहीं चाहती पर मैं आपको एक दूसरी नौकरी में भेजना चाहती हूँ देखो आपको मैं अपने कंपनी से निकाल के आपकी बेइज्जती तो नहीं करना चाहती पर मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी दूसरे कंपनी में जाके भी स्टेबल रह सके क्योंकि अभी आपको मेरे कंपनी में कोई जरूरत नहीं है आपको मैं ये चीज बुरा तो नहीं मान मैं नहीं चाहती कि आपको बुरा लगे इस बात को सुन के पर मैं चाहती हूँ कि क्लोरीन जो है मैंने एक क्लोरीन नाम के एटम को देखा है ना जिसके साथ मैं पार्टनरशिप करना चाहती हूँ और आप उसके पास जाओ क्यों ऐसा बोला उसने क्योंकि उसको अभी इसकी जरूरत नहीं है पर अगर आप क्लोरीन को देखोगे क्लोरीन के कंपनी में क्या है जॉब की वैकेंसी है ठीक है ना इनकी जॉब क्या है पूरी फुल हो चुकी है पर क्लोरीन के जॉब में क्या है वैकेंसी है क्यों क्योंकि क्लोरीन भी एक बार जब छान मारता है तब उसको पता है क्या पता चलता है उसको पता चलता है हो तो जाएगा एनी थ्री एस टू थ्री पी फाइव मतलब यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये और ये काम एक ही करता है तो ये चाहता है कि उस इलेक्ट्रॉन को ले लो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बस एक इम्प्लॉ है और हमको किसी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग नहीं देने किसी इलेक्ट्रॉन को तो उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस भले ही उसने ट्रेन की हो या ना हो जैसे होता है ना कि कुछ कुछ काम होते हैं जिसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि स्वीपिंग या फिर झाड़ू मारना या घर पहुँचना इन सब चीजों के लिए हमको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती है ना तो ये इंसान बस होना चाहिए सामने वाला है ना ठीक वैसे ही ऐसे काम है इसमें ठीक है ना तो इसको चाहिए कि एक ऐसा इंसान आए जो इसको मतलब इसके पेट को भर पाए और इसकी कंपनी को स्टेबल कर पाए तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको निकालना पड़ेगा और इस चीज को निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है तो जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन को निकालता है एनर्जी दे के जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको एक एनर्जी देनी पड़ती है तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे उसने क्या किया आयनाइजेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को एन प्लस बनाया सो दैट कि इस थ्री को वो हटा सके इस तरह से नहीं हम रिस्पेक्टफुली हटाएंगे उसको थ्री एस वन वाला जो ये वाला ये इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को ये दे सके किसको इसको जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एन थे डेट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस्तेमाल करके ये क्या करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और क्या बना देगा क्लोरीन जो कि माइनस में आएगा क्योंकि ऑलरेडी क्लोरीन इसमें है एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन सी एल माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी क्या अच्छा अगर यहाँ पे एनी में आपने क्या ऐड किया एट एनी एनी में अगर आपने एट ऐड किया तो क्या हुआ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे आर्गन बन गया क्यों क्योंकि आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है एटीन होती है टेन प्लस एट एटीन टू एट एट सिक्सटीन करके ऐड करना पड़ता है ना ठीक वैसे ठीक है ना तो यहाँ पे भी लिख दो कि इसका इलेवन होता है यहाँ पे सेवेंटीन होता है और नियॉन क्या कितना होता है क्या होता है कितना होता है टेन होता है टेन प्लस वन इलेवन टेन प्लस सेवन सेवनटीन समझ में आ गया तो चलो पहले अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की तो डेफिनेशन इसका क्या है इट इज द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वट कैटन एंड एनाइन क्योंकि ये जो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ना ये नहीं ये तो है ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैटायन और इसको हम क्या बोलते हैं एनायन तो ये क्या किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैटायन कैटायन और एनायन एनायन का एंड एन अच्छा क्यों किया जा रहा है टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ठीक है ना इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगुरेशन भी बोलते हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक नो बल्स टू अचीव स्टेबल नोबल गैस गु चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो मैं इसको रब आउट करूंगी उसके बाद इसके कंडीशंस की ओर बढ़ूंगी अब दोस्त हम पढ़ेंगे फेवरेबल कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड तो आप जल्दी से इसको हेडिंग में लिख लीजिए फेवरेबल कंडीशंस ऑफ Ionic bond. इसको मैं सिंगल क्लाउड से रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि हमने आयनिक बॉन्ड को मैंने बोला है उस तरह से करना है हा? क्योंकि इसके आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं ठीक है ना पहले सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है समरी में कि ये 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 चीज है ये ये उसका सब टॉपिक है ये उसके और सब टॉपिक्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो चलो बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन तो इसका पहला कंडीशन अगर हम देखें तो इसका पहला कंडीशन हमको ये बोलता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन अच्छा क्या क्या एनर्जीज इन्वॉल्व थी आयनिक बॉन्ड में मैंने इससे पहले बात करी थी कौन कौन सी एनर्जीज थी एक थी आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी थी इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपको भी पता है दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी एक आयनिक बॉन्ड बनेगा पर याद रखना इलेक्ट्रॉन को जो निकालते हैं हम जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने से तो आयनाइज होगा ना बोलिए तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी खर्च हुई है वो थोड़ी कम होनी चाहिए मतलब कि यहाँ पे इट मस्ट हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन आयनाइजेशन आयनिक बॉन्ड के डेफिनेशन पे नहीं इस पे आने वाला है तो इस चीज को बहुत अच्छे से रट के जाओ अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होनी चाहिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन थे भी बोलते हैं ओके okay, समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते इट ऑल्सो अच्छा एक और बात हैव हाई लेटिस एनर्जी अच्छा मैं क्यों बोल रही थी एक और बात क्योंकि आपको नहीं पता कि लेटिस एनर्जी क्या होती है कोई बात नहीं मैं हूं ना समझाने के तो चलो लेटेस्ट एनर्जी को समझेंगे हम यहाँ पे ये ये कौन सी बला है है ना तो देखो लेटेस्ट एनर्जी का मतलब ये है कि लेटेस्ट वर्ड जो है ये आपने सॉलिड स्टेट में सुना होगा लेटेस्ट एक क्रिस्टल फॉर्मेशन जो आपने पढ़ा होगा लेटेस्ट क्रिस्टल्स है ना लटाइज है ना ये सब चीजें आपने क्रिस्ट सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि एक लटाइस क्रिस्टल को और लटाइस क्रिस्टल किसका कितना उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए एक मोल एक मोल लटाइस क्रिस्टल बनते वक्त क्या होती है एक एनर्जी रिलीज होती है समझ में आ रहा है तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं मतलब कि कुछ मतलब हो गया उसके वजह से उसने खुशी खुशी कुछ दे दिया मतलब उसने क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होने के वजह से उसने एक एक एनर्जी को रिलीज करी और उस प्यार एनर्जी के रिलीज को हम क्या बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं तो यहाँ पे क्या लिखना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अच्छा क्यू रिलीज हो रही है ये वेन वन मोल ऑफ क्या वेन मोल ऑफ क्रिस्टल लेटाइसिस फॉर्म जब एक मोल क्रिस्टल लेटाइज बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है तो आप उसको आगे लिख देना कोल्डेज लेटेस्ट एनर्जी ओके मेरे को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की थोड़ी ज्यादा आदत है तो आप उसको अपनी फॉर्म में लिख लेना ठीक है ना आगे बात करते हैं लेटेस्ट एनर्जी को आप कैसे डिटरमाइन करोगे अच्छा लेटेस्ट एनर्जी ना उतना मतलब इतना बड़ी बात नहीं है यार तुम तुमने फिजिक्स में कुछ पढ़ा हो या ना हो आपको एक चीज तो याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था ये तो आपको पता ही होगा ना क्या था के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वा इतना तो पता ही था ना पूरे फिजिक्स में भले ही आपको पूरी फिजिक्स का पता हो फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रोस में तो ये ही जो फोर्स मैं जिसकी बात कर रही हूँ ना यही है लेटेस्ट एनर्जी की फोर्स यही वाला फोर्स का इस्तेमाल होता है वो इसी फोर्स से बंधे हुए होते हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है लेटेस्ट एनर्जी अच्छा इस बार अच्छे से लिखती हूँ मैं हाँ लेटेस्ट एनर्जी ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्स मत लिखना प्लीज यहाँ पेरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनल समझ गए तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना ये समझ में आ गया हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे दो तीन एग्जाम्पल्स uh, का इस्तेमाल करेंगे उस एग्जाम्पल uh, को हम और गहराई से समझेगी कि इसको कैसे हम उन एग्जाम्पल पर अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में ना ऐसे असे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इन सब चीज़ में अरेंज करो 90 परसेंट क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे तो अगर आप इस तरह से आप अप्रोच करोगे मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगी भी इस अगले स्लाइड में तो जब आप उसको ऐसे अप्रोच करोगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाओगे फिर हम बात करेंगे बॉन्ड हेवर साइकिल की जो कि लेटेस्ट एनर्जी को खुल के खोल के रख देगा ठीक है ना तो चलो तो दोस्त मैं आपके सामने ऑर्डर लेके आई हूँ आपको अब इसका इस्तेमाल करके इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है ना ये वाला ये वाला और ये वाला एंड बिफोर गोइंग टू डेट मैं आपको ये बता दूँ जब आप किसी भी ऑर्डर को पढ़ते हो ना आपको सबसे पहले ना स्टेप पता होना चाहिए आपको देख के करना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने वीडियो में सबसे ज़्यादा इसी पे ज़्यादा गौर फरमाती हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज अ बिगिनर आपको उस चीज़ को किस आपका नजरिया कैस क्या होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको देखने का नजरिया आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपको प्रायोरिटाइज किसको सबसे पहले करना है मतलब कि आपने ये तो सुन लिया कि लेट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ये चीज़ आपने सुन ली पर इसको अप्लाई करने से आपको अप्लाई किस तरह से करना है तो आपको पहली प्रायोरिटी देखनी है किस किस चीज़ को देनी है आपको यहाँ पे कहीं भी प्रायोरिटी नहीं देनी आपको सबसे पहले ये देखनी है कि हर एक में चार्ज कितना है क्या है हर एक में चार्ज कितना है अगर आपको अप्रोच समझना है ना अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखना चाहते हो स्टेप वाइज तो आप प्लीज़ साइड में अपने नोटबुक के लिख दो कि स्टेप वन ये होनी चाहिए स्टेप टू ये होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं मेरे पास लिखने का स्पेस नहीं है ठीक है ना और मैं ये लिख के अपने इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती ऑलरेडी बड़ी हो ही जाती है तो चलो बात करते हैं इसकी यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिएगा एन ए पे प्लस वन चार्ज होता है एम पे प्लस टू चार्ज होता है और ए पे प्लस थ्री चार्ज होता है दूसरे क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड के का कॉन्सेप्ट है तो आपको सब में आयनिक आयन्स क्रिएट करने पड़ेंगे इससे आपको पता चलेगा कि ये किस किस किन दो आयन से मिलकर बना है ये पूरा जो मॉलिक्यूल बना है, है ना अगर आप सी को देखोगे ये माइनस वन माइनस वन और माइनस वन चार्ज कंटेन करता है अगर ये नहीं पता तो प्लीज़ यार तुम टेंथ क्लास को और अच्छे से पढ़ो मैं आपको खराब नहीं बोल रही पर जो बात है वही मेन है है ना मैं आपको जीरो से तो नहीं कर सकती हीरो ठीक है ना तो आपको पहले टेंथ क्लास पढ़ के आना पड़ेगा तो चलो बात करते हैं इसकी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे चार्जेस सेम है मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो चलो ठीक है पर यहाँ पे देखो चार्जेस क्या है डिफरेंट है दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे चार्जेस के डिफरेंस होने के चलते हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे हमको चार्ज को कंसीडर करना है यहाँ पे डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करना जब चार्जेस दोनों में सेम हो जाते हैं मतलब यहाँ पे भी माइनस वन यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन यहाँ पे माइनस वन ये यह देखो यहाँ पे एज ए कंडीशन में अगर ये तीनों में दिख गया ना आपको ऐसे टाइप ऑफ चीज़ें तो डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपको यहाँ पे अगर दूसरे कंडीशन मान लो जैसे कि यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे माइनस टू यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे माइनस टू ऐसे केस में आपको डिस्टेंस की ओर बढ़ना है पहले आपको चार्जेस निकालने चार्जेस को पहला प्रायोरिटी देना है ठीक है ना अब समझ गए क्या करना है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्जेस डिफरेंट है तो मतलब भले ही यहाँ पे चार्जेस सेम हो तो मतलब आपको चार्ज को पहले कंसिडर करना है तो सबसे ज्यादा चार्जेस केस में है अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है चार्ज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्या जाना ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू मतलब कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो अगर उसकी वैल्यू थ्री है तो वो टू से ज्यादा ही होगी मतलब प्लस थ्री प्लस टू से ज्यादा ही होगी माइनस थ्री माइनस टू से ज्यादा ही होगी समझ गए ये इंटीजर नहीं है कि माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस वन माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस थ्री ठीक है ना ऐसा नहीं है समझ गए मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है तो इसका मतलब क्या है यह इसका ऑर्डर आगे बढ़ते हैं टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहां पे भी चार्जेस बनाओ किस किस चार्ज से बने हैं ये अच्छा यहां पे देखो सब में देखो ये आ रहा है क्या दिखा तुम सबको इनके चार्जेस को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले है ना तो पहले ये सीख लो अगर नहीं आता तो प्लीज आप यू यूट्यूब में भी बहुत सारे अवेलेबल होंगे वीडियोस आप चार्ज निकालना सीख जाओगे है ना किसी भी मॉलिक्यूल का ठीक है तो चलो समझते हैं इन सब में क्या करना है आपको इन सब में आपको क्या कंडीशन दिख रही है सेम चार्ज प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन तो अब इसमें आपको किसका इस्तेमाल करना है डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है मतलब कि यहाँ पे आपको देखना है डिस्टेंस मतलब अच्छा डिस्टेंस मतलब क्या डिस्टेंस मतलब साइज क्या डिस्टेंस मतलब साइज जितना बड़ा साइज उतना कम क्या उतना कम ये लेटेस्ट एनर्जी तो साइज किसकी ज्यादा है अच्छा ये है सेम एनी एन एनी एन ए तो क्या इसमें आप साइज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सब में सेम है पर जो डिफरेंट है उसको पकड़ के चलो उसके टांग को पकड़ो और देखो कि किसकी टांग बड़ी है ठीक है ना तो अब अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी होती है फिर क्लोरीन की फिर ब्रोमीन की फिर आइडिन की आपको बताने की मेरे को जरूरत नहीं क्योंकि आपने एटॉमिक ट्रेंड्स में पढ़ ही लिया था इससे पहले की वीडियो में तो चलो अब अरेंज करो तो अगर आय आइडिन की साइज़ बड़ी होती है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी सबसे छोटी बस यही था आगे कुछ नहीं अब देखो समझो इसमें क्या हो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा एल प्लस थ्री एफ माइनस वन क्लोरिन में AL... यहां पे आपको क्या करना है ना बेसिकली आपको इन तीनों को इस तरह से अरेंज करना है और इनका जो ये है ना यहाँ पे इनको यहाँ पे लिख दो बस ये जो नंबर है ना इस नंबर को यहाँ पे लिख दो मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको और जो आपको इसके नीचे दिखेगा उसमें वो वाला चार्ज आ जाएगा अच्छा यहाँ पे ना वन दिख रहा है पर यहाँ पे वन है नहीं ये जो है ना ये एयर जो होता है ना इसमें तीन होता है और नाइट्रोजन में भी तीन होता है वो तो इसको काटने के बाद इन्होंने क्या किया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूले में चेंज कर दिया मोलिकुलर फॉर्मूले को तो ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ठीक है ना अब बात करते हैं इसकी अब देखो ध्यान से देखना इस, इस, चीज को यहाँ पे प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री दिख रहा है चेंज यहाँ पे माइनस 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 में आ रहा है तो मतलब चेंज क्या हो रहा है चार्ज हो रहा है चार्ज में ध्यान देना है चार्ज की वैल्यू पे ध्यान देना है चार्ज में नहीं चार्ज की वैल्यू पे ध्यान देना है माइनस टू सॉरी माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस टू इज ग्रेटर देन अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी इसको एक्सप्लेन करते हुए तो चलो आप इसको जल्दी से लिख डालो अब दोस्त हम समझेंगे किस तरह से आपको बॉन्ड हेवर साइकिल मतलब आयनिक एनर्जी अभी आयनिक बॉन्ड को आपने समझा ना इसको अब हम खोल के देखेंगे इसको चीड़ के देखेंगे कि इसके अंदर है क्या माइक्रोस्कोप से कि होता क्या इसके अंदर एक्चुअली में क्या ऐसी चीज़ है इसके पीछे का रीजन समझेंगे बेसिकली और वो कौन बताएगा हमको बॉन्ड हेबर साइकिल कौन बताएगा बॉन्ड हेबर साइकिल तो इस चीज़ का हेडिंग लगा लीजिए और इस तरह से सब हेडिंग एज अ मार्क लगा अच्छा आगे बात करते हैं बॉन्ड हेवर साइकिल नाम से पता साइकिल बनाने वाले नाइट्रोजन साइकिल बॉन्ड अगर बनाना है तो आपने किसका इस्तेमाल किया था इसका इस्तेमाल किया था और आपने क्या कर दिया था ये बना दिया था जो कि आपको ऊपर से दिख रहा था पर इसके पीछे बैक कैमरा में अगर बोलते है ना क्या बोलते हैं बैक स्टेज जो भी है अब बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके पीठ पीछे क्या होता है वो चीज बॉन्ड बॉन्डिवर साइकिल बताती है अगर आप एनए को देखो एन को देखो और सी को देखो एन और सी एल बन के क्या एन ए बनता है नहीं बनता क्यों नहीं बनता क्योंकि एक इसमें कितने एन ए है इसमें एक एन ए है और इसमें कितने सी एल है इसमें एक सी एल है और आपको पता है कि सी कभी अपने फ्री स्टेट में नहीं होता हमेशा Cl क्लोरीन अपने फ्री स्टेट में सी के फॉर्म में नहीं क्लोरीन हमेशा अपने फ्री स्टेट में हमेशा सी के फॉर्म में होता है किसके फॉर्म में होता है सी के फॉर्म में मतलब कि वो गैसीय स्टेट में अपने आप को रखता है ठीक है अच्छा सोडियम की बात करूं तो वो हमेशा एन के फॉर्म में ही रहता है तो इसी चीज के चलते यहाँ पे गड़बड़ आ जाता है क्या गड़बड़ आ जाता है मतलब कि अगर आपको ये टू के स्टेट में ही रखना है और यहाँ पे फाइनली आपको वन ही लाना है तो आपको क्या करना है इसके इसमें छेड़छाड़ करना है करना है कि नहीं हाँ तो इसके मोल में अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो इसको हाफ लिखना है ये तो आपको पता है मतलब आपने बैलेंस किया इन अदर वर्ड्स अच्छा आगे बात करते हैं अब यह है सॉलिड यह है गैस तो आपको नहीं लगता कि इस सॉलिड को हमको गैस में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि सॉलिड को गैस में किस तरह से रिएक्ट करोगे नहीं कर पाओगे तो सॉलिड को पहले गैस होना पड़ेगा रिएक्शन के लिए तो अगर मैं इसको इस सॉलिड को गैस बनाऊ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी तो इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन समझ गए ओके okay, यहाँ पे तो गैस बन गया और इस सी एल टू को अगर मेरे को Cl के फॉर्म में लाना है इस सी एल टू को मेरे को Cl के फॉर्म में लाना है क्योंकि लाना ही है हमको लाना है कि नहीं इसको लाने के लिए हमको किस के, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको हमको देनी पड़ेगी डिसोसिएशन एनर्जी जिससे ये डिसोसिएट हो पाए अच्छा कितनी देनी पड़ेगी हाफ के फॉर्म में देनी पड़ेगी क्योंकि हमको इसको हाफ मोल रखना है ओके समझ में आ रहा है और ये किस किस फॉर्म में हो जाएगा फिर सी एल गैस के फॉर्म में हो जाएगा स्टार्टिंग में इसकी एग्जिस्टिंग स्टेट ये थी बना ये स्टेट में समझ में आया कि नहीं अब देखो अब क्या करना है अब इसको पह, अब इसको चेंज करना है किस में अब जस्ट जब हमने जस्ट इससे जस पहले हमने पढ़ा था कुछ देर पहले इसको पहले आयंस में कन्वर्ट करना है और ये आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी ये हो जाएगा एन ए प्लस और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस्तेमाल करके ये बन जाएगा माइनस। इतना तो आपको पहले से ही पता था पता था कि नहीं बस अब इसमें लैटिस एनर्जी डाल दो लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन जस्ट आपको इससे पहले पढ़ाया था क्या पढ़ाया था एक मोल एक मोल ये क्या है ये एक मोल है एक मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि ये है ये क्या है ये क्रिस्टल लटाइस है ठीक है ना इस एक मोल क्रिस्टल लटाइस को बनाने के लिए ये जो ये क्या है ये एक मोल है एक मोल एनिस्टील क्रिस्टल लटाइस को बनाने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है एक एनर्जी देनी पड़ती है या फिर एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी जो चीज बनने के लिए रिलीज होती है उस चीज को अगर हम डालें तो ऑब्वियसली वो चीज बन जाएगी बनेगी कि नहीं तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है ठीक है ना तो आप इस चीज को लिख दो और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं ओवरऑल इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलते हैं डेल्टा एच है ऑफ फॉर्मेशन और यह चीज आप में जरूर देखेंगे ठीक है ना तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फिर क्या निकला दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो इसलिए बता लू सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच ऑफ डिसोसिएशन अच्छा कितना डेल्टा एच का हुआ है हाफ फिर क्या आपने क्या पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन गेन थेलपी फिर लैटिस एनर्जी इस चीज को लिख दो और एक बॉक्स बना दो समझ में आया तो इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो तो दोस्त अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में किसके बारे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, में. यह है मेन तो इसको डबल क्लाउड से रिप्रेजेंट करो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही क्या है एक स्पेशल टाइप है मॉडिफाइड फॉर्म है मतलब यहाँ पे जिस तरह से डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह है समझ रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है एक एटम जो है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही उसको दे देता है दूसरे एटम को दूसरे गरीब एटम को इलेक्ट्रॉन रिच एट एलिमेंट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन पुअर एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और एक की नहीं दो की कमी होती है तो जरा समझते हैं इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लगता है पेट्रोल खत्म हो गया इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन एटम एंड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड बाय अदर समझ में आया ठीक है ना तो चलो इतना समझ में आ गया तो इसका एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं तो मान लो कि मैंने एच टू ओ का इस्तेमाल किया ये मैंने एच टू ओ लिया इसमें ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो ऑक्सीजन में आपको क्या दिखेगा एक दो तीन चार पाँच छ होते हैं ना इतने होते हैं मतलब कि अगर इस H2O टू को बोला जाए कि एक प्यारा सा H+ प्लस आयन पड़ा हुआ है आपको आपको एक बात बताओ मुझे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है होता है कि नहीं उस बेचारे हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर निकाल दिया जिससे कि वो बद हो गया H प्लस तो उसके पास क्या बचा उस गरीब के पास ये है वो दशा इस दशा में जब ये इस तरह का एडिशन होता है इस तरह का आ, संबंध होता है जब कोई इतना अमीर इंसान जो कि है ये जब ये इतने गरीब इंसान को देख लेता है तब उससे रहा नहीं जाता तो वो एक बॉन्ड बनाता है कैसा बॉन्ड बनाता है ठीक ऐसा बॉन्ड बनाता है वो क्या दे कर? ये देकर ये, दे ये बोलता है कि ये तुम ले लो मुझे नहीं चाहिए तो वो इस तरह से वो ये चीज जो है उसको दे देता है क्या दे देता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जब ये दे देता है तो इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखने को मिलता है इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिल रहा है मतलब यहाँ पे आपको एरो भी दिखेगा और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखेंगे तो यही एरो क्या बताता है ये बताता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओके और यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है डोनर कौन है यहाँ पे डोनर है ये डोनर एटम अच्छा एक्सेप्टर कौन है ये है ये क्या है एक्सेप्टर एटम अच्छा ये बना क्या ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्या ये हमारा कुछ नहीं बस एच टू ओ प्लस एच थ्री ओ प्लस है एच थ्री ओ प्लस आयन जो बना ना वो यही है और कुछ नहीं है तो चलो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये क्या था हमारा एग्जाम्पल इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे हमारे प्यार ऐसे टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है को, जो कि हमारा कोवेल एंड उसको पढ़ेंगे तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को डर भी लगता है स्टार्टिंग में किसी को डर नहीं लगेगा आगे चलते रहो फिर देखना पर मैं आपको डर नहीं दिलाऊंगी तो ये है हमारा कोवल एंड बॉन्ड अच्छा कोवेल एंड बॉन्ड को भी भाई रिस्पेक्ट दो भाई इसको डबल रिस्पेक्ट दो तो चलो पढ़ते हैं कोवेल एंड बॉन्ड को तो ये क्या है इट इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपने टेंथ क्लास में पढ़ रखा है बिटवीन टू एटम्स इट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स कंबाइनिंग एटम्स भी लिख सकते हो <coughs> तो समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड uh, को तो इसका एग्जांपल से समझेंगे हम इसको ठीक है ना तो पहला एग्जांपल होगा एच टू का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे क्या करो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स दिख जाते हैं उसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो मतलब कि अब हाइड्रोजन का तो एक ही शेल है जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए पर होता एक ही है तो हाइड्रोजन का तो छोड़ ही दो तो, ठीक है ना तो इसको आप ऐसे बताओ इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो कि ये एक बॉन्ड बना रहा है मतलब कि एक ऐसा बॉन्ड जो कि दोनों के पार्टनरशिप से बना है दोनों ने अपना फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डाला और एक कंपनी बनाया तो ये वैसी बॉन्डिंग है क्योंकि इतना पार्ट सॉरी इस बॉन्ड का एक मिनट एक मिनट इस बॉन्ड का इतना हिस्सा इस हाइड्रोजन ने लिए और ठीक इतना ही हिस्सा इस हाइड्रोजन ने लिए समझ जाओ इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है ये हो गया हमारा एक एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखो ऑक्सीजन का क्योंकि इससे आप थोड़ा और अच्छे से समझोगे देखो ऑक्सीजन में अगर आप एक ऑक्सीजन का अगर आप देखो यहाँ पे तो चलो मैं दो ऑक्सीजन लूंगी एक ऑक्सीजन का अगर आप एटम बनाओ तो पहले में आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे अच्छा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में होता है है समझ रहे हो तो तो अगर अगर इसमें अगर आपको डालना तो पहले दो और फिर छह डालना है एक दो तीन चार पांच छालना है मतलब कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहां पे फिट कर दो ये आठ हो गया और इसमें छह है तो इसमें से दो हटा दो ठीक है ना डाल दिया तुमने ऑक्सीजन में इस साइड में भी वही करो क्योंकि दो ऑक्सीजन की बात की गई है समझ रहे हो तो अब क्या करना है शेयरिंग करनी है मतलब कि यहाँ पे जो शेयरिंग होगी वहां पे यहाँ पे डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी मतलब कि इस तरह से डबल बॉन्ड शेयर होगा दो बॉन्ड शेयर हो गया यहाँ पे समझ रहे हो तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है उस शेयरिंग में दो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है ये दोनों बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन को जाता है समझ गए तो इस तरह का जो बॉन्ड है वो ऑटो शो करता है तो अगर मैं इसको रब आउट कर दूं और ये बताऊं कि ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स क्या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बना रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन जब एक बॉन्ड को बनाते हैं तो मतलब कितने इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मतलब इसमें है. इस कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन एक को बना रहे है. मतलब कि या अब बॉन्ड है यहाँ पे दो तो दो इलेक्ट्रॉन एक को बना रहे है. तो मतलब कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुए दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुए <laughs> तो यहाँ पे आपको और कुछ दिख रहा है क्या साइड साइड में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा पर यहाँ पे आपको साइड साइड में ये दिख रहा है 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 ये सब दिख रहा है ये सब क्या है ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और कितने हैं इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार मतलब कि यहाँ पे चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग के लिए उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो अगर मैं इसमें डेफिनेशन बॉन्ड पेर इलेक्ट्रॉन की और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तो क्या लिखूंगी इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग कॉल्ड इज कॉल्ड इस बॉन्ड बॉन्डपेयर इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग समझ रहे हो तो चलो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो अभी मैं जो चीज आपको पढ़ा रही हूँ ना ये आपने चैप्टर से जब अपने बुक को खोला था ना तो आपको सबसे पहला वर्ड जो दिखा होगा ना वो कर्नल वर्ड से रिलेटेड रहेगा जो कि आपके बुक में दिया हुआ है और वो ऑक्टेट रूल से के मतलब अंडर आता है ऑक्टेट रूल जो एक टॉपिक है उसके अंडर आता है ये चीज तो ऑक्टेट रूल मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था इस वीडियो में पर मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट किया है जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली सारा का सारा एग्जाम फोड़ सकते हो बट आपको एक शर्त याद रखनी पड़ेगी आप मैं जिस सिक्वेंस आपको पढ़ा रही हूँ आपको उसी सिक्वेंस में जाना पड़ेगा ठीक है ना अच्छा मैं ऑक्टेट रूल की अगर मैं बात करूं ऑक्टेट रूल यही कहता है कि ये जो हम बॉन्डिंग कर रहे हैं ना बॉन्डिंग जो हो रही है ये, आ, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए की जा रही है मतलब कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हो मतलब कि एक पर्टिकुलर एटम में जितने भी ऑर्बिट्स है और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे सात इलेक्ट्रॉन है एक दो तीन चार पाँच छः सात अब इसको जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन की सो देट की अपनी बॉन्डिंग को कंप्लीट कर सके तो बॉन्डिंग क्यों की जाती है अपने ऑक्टेट को अपने ऑक्टेट को मेंटेन करने के लिए कंप्लीट बनाए रखने के लिए आठ के आठ इलेक्ट्रॉन को डाल के स्टेबल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए और ये चीज़ मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन में पढ़ा दिया था इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ऑक्टेट रूल को मैं मैं अच्छे अच्छा करके बताऊँ क्योंकि तो आपको भी पता है कि आपने टेंथ क्लास में ऑक्टेट रूल को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पर मैं अभी इस ऑक्टेट रूल की बात क्यों कर रही हूँ ये क्वेश्चन आता है देखो ये चीज़ इसलिए आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन क्योंकि ये आपने के बुक में सबसे पहले पढ़ा होगा पर इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा आपसे पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है ड्रॉबैक्स क्या है किसके ऑक्टेट रूल के तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं इसको अबाउट कर देती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन सुपर एटम्स बोल सकते हो सुपर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो जो एग्जिस्ट करते हैं इस केमिस्ट्री में और इस केमिस्ट्री का नाम बदल के एक्सेप्शन का नाम रख देते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ऑप्टिट्यूल्स के बारे में ये एक ऐसा रूल है जो हमको बताता है कि कुछ ऐसे सुपर हीूम्स होते हैं इस दुनिया में जो कि इंसानों जैसे नहीं होते ठीक वैसे ही कुछ ऐसे सुपर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको रूल्स फॉलो करना ही नहीं आता जो इतने बेशरम होते हैं कि उनको रूल्स मानना ही नहीं है चाहे जेल में भी चले जाए ठीक है ना कुछ ऐसे लोग हैं तो वो उन्ही एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट मॉलिक्यूल फिर हम किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रूल अगर आपके बुक में अगर आप देखोगे तो या ये लिखा होगा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट जितनी है औकात है आठ इलेक्ट्रॉन की पर औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग कर रहे हैं वो ठीक है ना ये भी आपने अभी भी देखा है इसका एग्जाम्पल जरूर बताऊंगी तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है हाइपोवेलेंसी दिख रहा है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है हाइपर और तीसरा जो लास्ट होगा वो हम पढ़ेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी हाइपोवेलेंट की अगर आप इसके एग्जाम्पल में जाओगे तो इसका बस एक ही एग्जाम्पल है वो है बी ई सी एल टू अगर आप बी ई सी एल टू पर ध्यान दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि है हमारा हाइड्रोजन वही बस डबलेट को एग्जिस्ट कर सकता है और हीलियम भी ठीक है ना हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ही डबलेट को एग्जिस्ट कर सकते हैं इनको छोड़ के और कोई डबलेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता कर सकता है कि नहीं मतलब एग्जिस्ट कर सकता है का मतलब डबलेट में वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है पर ये ये BCL2 से आ गया BCL2, BCL4 की वजह क्यों हुआ इस चीज को ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाई इसलिए वो ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल में आ पड़ा समझ में आया अच्छा यहां पे आपको पता है कि बेरिलियम कितना एटॉमिक नंबर शो करता है बेरिलियम की एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम मतलब चार है उसका एटॉमिक नंबर पर यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि बेरिलियम सिर्फ दो ही क्लक्लोरिन के एटम्स को ले सकता है विदाउट एनी लोन पेयर तो इससे आपको पता चल गया इसका डेफिशेंट दे, दे, होने का रीजन क्या है आगे बात करते हैं एक्सपेंशन की तो इसका एग्जाम्पल जी हाँ हमारा पुराना वाला जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा है वही वाला एग्जाम्पल है इसका वो क्या है पी सी एल फाइव पीसीएल फाइव का अगर आप देखोगे डायग्राम तो ऐसा दिखेगा अच्छा यहाँ पे चार हो गए ना यहाँ पे वही होता है ना फटा पोस्टर निकला हीरो फटा ऑक्टेट निकला बॉन्ड मतलब यहाँ पे एक और बॉन्ड निकल के आ गया इसने तो ऑक्टेट रूल को मतलब इस तरह से एक्सपेंड किया है कि ऑक्टेट रूल आठ नहीं अभी ऑक्टेट आठ नहीं है ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में दस इलेक्ट्रॉन सब गौर से देखना पहले तो मुझे एक बात बताओ फोस्फोरस की औकात कितनी है बॉन्ड बनाने की एक दो तीन चार पाँच पांच बना सकते हैं क्यों बना सकते हैं क्यों वो नाइट्रोजन के नीचे आता है पर यहाँ पे क्या दिख रहा है एक दो तीन चार पांच चलो यहाँ पे पांच बना भी लिए पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए पूरा ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है क्यों होता है इन दोनों के बॉन्ड्स को काउंट करने के बाद ही ऑक्टेट क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं मतलब होना तो इधर पाँच होना चाहिए चलो ठीक है पाँच वैलेंसी का इस्तेमाल कर लिया उसने कोई दिक्कत नहीं है पर इस्तेमाल करने के बाद जो ऑक्टेट बन के आ रहा है जिससे जिसमें उनको आठ मिलने चाहिए आठ से वो एटम का जो वो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाएगा पर बन के कितना आ रहा है एक दो से पहले भी मैंने आपको पढ़ा है पर उसमें मैंने एक गलती कर दी थी क्या की थी मैंने सो तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक दो लिखा था और इस तरह से मैंने बॉन्ड बना दिया था बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिए ही नहीं थे तो चलो समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ तो एक बात बताओ मुझे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दो दो होते हैं। दो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का गैसीय स्टेट में दो ऑक्सीजन में एक्जिस्ट करता है दो ऑक्सीजन एटम में अच्छा एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ हो सकता है ओके okay. छः में से दो क्या हो जाता है दो इधर चला जाता है क्यों चला जाता है ये बॉन्ड बना सके क्यों बना सके बॉन्ड जिससे कि इसमें आठ इलेक्ट्रॉन्स अचीव हो सके एक दो तीन चार पांच छः सात आठ मतलब अचीव करने के लिए इसको आठ बॉन्ड्स बनाने पड़ते मतलब दो बॉन्ड्स बनाने पड़ते एक्स्ट्रा सो दैट वो ले सके और होती इसमें कितनी है वो आपको पता है छ होते तो मतलब होती इसमें पांच है और अचीव करने के लिए और तीन चाहिए रहेगा पर इसको पाँचों का इस्तेमाल करके इसने क्या कर दिया उसने सारे पाँचों का उसने उसका डबल करके दस कर डाला समझ गए आप तो इसका मतलब बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये क्या करना चाहता है और इसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉबैक निकल के आ जाता है आगे बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप इसके एग्जाम्पल को देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है नो अच्छा नो का मतलब क्या है नाइट्रोजन में नाइट ऑक्सीजन कितने बना सकता है? ऑक्सीजन बना सकता है दो बॉन्ड ये मैंने आपको अभी, अभी अभी बताया तो मतलब बचे इसके दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर जिसका भी कोई काम नहीं है। पर अगर एक यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच चलो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देती हूँ मैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच. मतलब कि ये तो चलो एक लोन पेयर बन गया इसका क्या होगा ये तो औड पड़ा हुआ है ना ऑर्ड कैसा लगता है रे अरे तो मैंने अब आपको अभी तक लोन पेयर में पढ़ाया नहीं है तो ये ऑड जो चीज है ना ये थोड़ी ऑड लगती है इसलिए वो ड्रॉबैक में आ जाता है चलो इसको अच्छे से लिख डाल दोस्तों ये क्या है ये है हमारा स्क्वायर तो स्क्वायर में कितने पैरीमीटर्स होते हैं बताओ मुझे इसको देख के बता दो कितने पैरामीटर्स होते हैं पेरीमीटर्स होते हैं अच्छा स्क्वायर में कितने पैरामीटर्स होते हैं एक दो तीन चार ठीक वैसे ही बॉन्ड्स में कितने पैरीमीटर होते हैं एक दो तीन चार मतलब हमारे बॉन्ड के कितने पैरामीटर्स होते हैं चार तो हैडिंग लगाइए बॉन्ड पैरामीटर्स कितनी गलती हैंडराइटिंग लग रही है अच्छा बात करते हैं चारों पैरामीटर्स के बारे में पहले हम क्या पढ़ेंगे बॉन्ड की लेंथ फिर हम क्या पढ़ेंगे बॉन्ड की एंगल फिर हम क्या पढ़ेंगे बॉन्ड की क्या अच्छा लेंथ में बॉन्ड की साइज आ जाती है बॉन्ड की ऑर्डर और लास्ट में हम पढ़ेंगे बॉन्ड की एनर्जी ये सब हम किस चीज का पढ़ रहे हैं बॉन्ड का पढ़ रहे हैं तो बॉन्ड की ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे इसके चार पैरामीटर से तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में ठीक है ना तो हेडिंग लगाइए बॉन्ड लेंथ अच्छा आप मुझे एक बात बताओ बॉन्ड हो गया बॉन्ड बन गया ठीक है ना अब जब आप बॉन्ड को और अच्छे से डीपली अगर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके अगर अगर आप देखोगे ना बॉन्ड को अच्छे से अगर माइक्रोस्कोप डाल के देखोगे तो आपको पता है क्या दिखेगा किस पे डाल के देखोगे एटम पे तो आपको ये दिखेगा ये क्या दिख रहा है आपको मैं अगर इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट ऑर्बिट को अगर हटा भी दूँ वो थोड़ा कर, आपको कन्फ्यूज़ करेगा इसलिए हटा देती हूँ मैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉ ऑर्बिट को पकड़ के चल रही हूँ मैं <laughs> क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों ऑर्बिट्स क्या कर रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं मतलब कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है जब बॉन्ड बन जाता है तब ओवरलैपिंग जैसी चीज़ आ जाती है पर यहाँ पर मैं ओवरलैपिंग चीज़ को नहीं पढ़ाऊँगी ओवरलैपिंग चीज़ को खुल के पढ़ाने के लिए मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी जो कि इसके बाद वाले टॉपिक में आता है अब तक के लिए ये जान लो कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में जब बॉन्ड बन जाता है तो जो डिस्टेंस पैदा होता है उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ तो इट इज अच्छा एक होता है इंटर स्टेट इंटर कॉलेज इंटर डिस्ट्रिक्ट तो इंटर कॉलेज कंपटीशन मतलब दोनों कॉलेजों के बीच का कंपटीशन तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इंटर न्यूक्लियस तो मतलब दोनों न्यूक्लियस के बात चल रही है ठीक है ना द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस अच्छा किसका एटम कौन से एटम का बॉन्डेड एटम का ऑफ बॉन्डेड एटम दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं अच्छा बॉन्ड लेंथ की कंडीशंस इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से ज्यादा कंडीशन पूछी जाती है और डेफिनेशन तो जस्ट बोर्ड में पूछा जाता है अच्छा बात करते हैं कंडीशन एग्जाम्पल नहीं कंडीशंस तो पहली कंडीशन क्या है हमारी बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट जितनी ज्यादा साइज होगी जितनी ज्यादा साइज जितनी बड़ी रेडियस उतनी बड़ी क्या होगी बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ज्यादा दूर होगी वो बॉन्ड की लेंथ है ना अगर आप मुझे एक बात बताओ एक स्टेडियम है क्रिकेट का स्टेडियम है और एक तुम्हारे आ, तुम्हारा पार्क है छोटा सा चिल्ड्रन पार्क अगर मैं बात करूं कि ये इस चिल्ड्रन पार्क के इस कॉर्नर से लेके आप इसके सेंटर की तरफ दौड़ो और क्रिकेट ग्राउंड का भी जो फोर वाला बाउंड्री है वहाँ से लिख के आप पिच तक दौड़ो है ना सेंटर होता है ना पिच वहां तक दौड़ो तो किसमें ज्यादा आपको डिस्टेंस uh, कवर करना पड़ेगा इसमें करना पड़ेगा तो मैं अगर जितना बड़ा जितना बड़ा रेडियस लूंगी उसका मतलब क्या है उसका लेंथ भी बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि ये वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस बताता है मतलब जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो ये बताना चाहती हूँ कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अच्छा ये आपको समझ में आ गया अच्छा आप मुझे एक बात बताओ जब ये जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन की अगर तीन बॉन्ड्स दिख रहे हैं मतलब कि छह इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हैं, एक दो तीन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, क्या ये ज़्यादा, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है बॉन्ड की क्या इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है बॉन्ड की यहाँ पे दो दिख रहे हैं चार इलेक्ट्रॉन क्या इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है बॉन्ड की कितना अजीब है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है जो एक उंगली से अगर आप पकड़ोगे इस तरह से अगर आप एक उंगली से अपने फ्रेंड को पकड़ते हो तो दूसरी वाली फ्रेंड अगर आपको उस लड़की को खींचती है तो क्या होगा आराम से निकल जाएगा समझ में आ रहा है पर अगर मैं दो उंगली से पकड़ती हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में उसको हटने में मतलब मेरा पीछा छुड़ाने में टाइम लगेगा बंधन को तोड़ने में बॉन्ड के रिलेशन को तोड़ने में पर अगर मैंने चारों उंगली को इस तरह से पकड़ रखा है ज़्यादा उंगलियों का इस्तेमाल करके मैंने पकड़ रखा है तो क्या होगा तो निकालने में छूटने में और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो इससे क्या पता चल रहा है आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा है क्यों है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है किसकी बॉन्डिंग की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी वो क्लोज होगी और जितना ज़्यादा क्लोजनेस होगा उतना कम लेंथ होगा अगर ये इतना क्लोज हुआ और ये अगर बहुत दूर दूर हुआ तो क्या होगा लेंथ बढ़ जाएगी क्लोजनेस ज्यादा तो बॉन्ड क्या हो जाएगी बॉन्ड की लेंथ कम मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के कि जितना ज्यादा जितना ज्यादा बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मींस मोर द क्लोजनेस मतलब लेस इज द बॉन्डिंग इज द लेंथ समझ गए इसको अगर आप इसमें भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो चलो इसको लिख डालो मैं फिर रब आउट कर देती हूं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल के बारे में हमारा सेकंड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल ये क्या है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड वो क्या था डिस्टेंस और ये क्या है एंगल वहां पे दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है पर यहां पे दो बॉन्ड्स के बीच का डिस्टेंस एंगल है अगर हम ले एक एक करके तीन आपको मैं एंगल पढ़ाऊंगी आपको उसका एंगल भी याद रखना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैं बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि एन बुक में जो एंगल्स गिवन है क्या उसको याद रखना पड़ता है जी हाँ मेरा आंसर यही रहेगा आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है ना अच्छा तो मैं आपको तीन एग्जाम्पल्स देती हूँ इसका तो एटलीस्ट याद करके रखो भले ही बाकियों का आपको याद हो, याद हो या ना हो तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगी सी की सी एच फोर फिर मैं एग्जाम्पल लूंगी एनएच थ्री का और लास्ट में एच टू का ऐसा क्यों क्योंकि तीनों में आपको डिफरेंस दिखेंगे बॉन्ड एंगल में अगर मैं सी एच फोर का बॉन्ड बनाऊँ तो कुछ ऐसा होता है उसका बॉन्ड कुछ ऐसा लग नहीं रहा खास है ना चलो यहाँ पे आओ मैं बताती हूँ अगर आप इस बॉन्ड को ध्यान से देखोगे ना तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा देखो आपको तो लग रहा होगा कि तीन हाइड्रोजन नीचे है यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन नीचे है यहाँ पे दो हाँ यहाँ पे दो हाइड्रोजन नीचे है ये हर उस एस्पिरेंट को लगता है जिसने मेरा आधा वीडियो देखा है उसने स्टेप्स अप्लाई किया उसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई किया उसने अच्छा ठीक है उसने वो नहीं लिखा वन एस टू टू एस टू पर उसने एटलीस्ट मेरे वीडियो को देख के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज करके उसने बॉन्ड बना लिया यहाँ पर भी उसने वो कर लिया यहाँ पर भी उसने वो कर लिया कोई दिक्कत नहीं है पर यहाँ पर आके वो सोचेगा कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है मतलब इसकी बॉन्ड की एंगल कम होगी क्योंकि इसमें क्या है गर्दी है ज़्यादा वहाँ पे गर्दी थोड़ी कम है और यहाँ पे और भी ज़्यादा कम है और ये सोच के वो ये समझेगा कि इसकी जो बॉन्ड की एंगल है वो ज़्यादा है और फिर यहाँ पे वो टिक कर बैठेगा और यहाँ पे ही वो सबसे बड़ा मिस्टेक खा जाएगा पर अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल की तो आपको विश्वास नहीं होगा बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसकी है इसकी है वन हंड्रेड नाइन मिनट्स ट्वेंटी एट सेकेंड्स डिग्री ट्वेंटी एट मिनट्स ये है किसकी बॉन्ड एंगल इसकी बॉन्ड एंगल समझ में आया अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है इसकी है 107 डिग्री एंगल समझ में आया और इसमें कितना है कितना है इसमें है 104 डिग्री अब सोच रहे हो कि ये क्यों वो इतना कम हो गया यही है केमिस्ट्री के वजह से ऐसा कुछ होता है फिर हम लोग इसको एक्सेप्शन समझ के कोटा फैक्ट्री देखने लग जाते अच्छा सुनो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा लोन पेयर में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिखना पड़ेगा वो क्या है लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का और उस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर का समझ में आया क्या रिपल्शन इन सब का रिपल्शन की बात कर रही है अच्छा ध्यान दो क्या बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर है ठीक है ना ये लोन पेयर लोन पेयर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन है मतलब कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं पर लोन पेयर में जो रिपल्शन की जो काबिलियत होती है बहुत ज्यादा होती है इसके रिपल्शन के चलते ये जो नीचे जो बॉन्ड्स होने चाहिए थे देखो ये ऑक्सीजन है और इसके दो साइड में दो हाइड्रोजन होने चाहिए थे होने चाहिए थे कि नहीं पर जस्ट बिकॉज कि ये रिपल्शन होके नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसको भी थोड़ा पीछे हटना पड़ रहा है और इसके पीछे हटने के चलते ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जा रही है बॉन्ड की जो एंगल है वो छोटी होती जा रही है समझ में आया अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे एक बात बताओ जब आप लाइन में खड़े होते हो जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तब आपको बोला बोल दिया जाता है कि स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हो जाओ इतनी भीड़ में जब आप लाइन में खड़े होते हो तो आपको भी पता है कि आपके भी आगे एक इंसान खड़ा है तो उसको भी पीछे आना पड़ेगा तो तुम भी थोड़ा पीछे हटोगे अगर वो पीछे आएगा तो तुम भी पीछे हटोगे तो इस तरह से आप पीछे हटते रहोगे तो वैसे ही ये जो हाइड्रोजन है ये जो लोन पेयर है वो क्या होगा खुल गए वो जो ऐसे थे वो खुल गए उसके खुलने से ये जो हाइड्रोजन थे वो थोड़ा पीछे आ गए ठीक है ना क्योंकि उनको भी पता है कि उनमें भी स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है फिर मैंने क्या बोला लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है तो यहाँ पे आपको एक लोन पेयर दिख रहा है पे पे एक एक बॉन्ड पेयर दिख रहा है मतलब कि इसके बीच में भी रिपल्शन होगा होगा क्यों हो क्योंकि पहले तो ये था ना हाइड्रोजन यहाँ लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन हुआ फिर उसको क्या फेस करना पड़ा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन फेस करना पड़ा जिसके चलते इसको और नीचे आना पड़ा यहाँ पे आना पड़ा यहाँ पे क्या दिखेगा यहाँ पे आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्शन देखने को मिलेगा और इसीलिए इसके इसकी जो एंगल है डिग्री है इससे थोड़ी सी ज्यादा है ज़्यादा मतलब ये हाइड्रोजन थोड़े नीचे है और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे कोई लोन पेयर की प्रॉब्लम है ही नहीं तो यहाँ पेस्टल देखने को मिलेगा ठीक है ना समझ गए तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे के कंडीशन तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन ऑफ बॉन्ड एंगल ठीक है ना तो आप यहाँ पे लिखे कंडीशन ऑफ बॉन्ड एंगल ध्यान देना यहां पे मैं दो कंडीशन की बात करूंगी पहला तो ये है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन इसका मतलब क्या है जितना ज्यादा लोन पेयर होगा मान लो कि किस कोई भी एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट में दो लोन पेयर है और यहाँ पे दो बॉन्ड्स है एच और एच मान लो ऐसा ठीक है ना और यहां पे एक और मेटल है मेटल uh, नहीं एलिमेंट है और इसमें कितने लोन पेयर है तीन लोन पेयर है और यहाँ पे दो बॉन्ड्स है एच एच और H. आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इन दोनों दोन में दो में होगा ऑब्वियसली इसमें होगा क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम रिपल्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का और इसके चलते ये यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन चल रहा है जितना ज्यादा रिपल्शन उतना कम क्या हो जाएगा इस, इसको हटना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की गर्दी से हटने के लिए इसको अपने एंगल को छोटा करना पड़ेगा समझ रहे हो ना तो इसलिए इसके लोन पेयर को हमको इन्वर्स में रखना पड़ता है ठीक है चलो इसको मैं रब आउट कर देती हूँ और आगे बताती हूँ क्या करना है पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है जब लोन पेयर सेम हो उसके साथ जो बॉन्ड अटैच्ड है वो भी सेम हो तब तो आती है एक्चुअल प्रॉब्लम तो ऐसे प्रॉब्लम को ठीक करने का दूसरा राज है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे कैसे मैं बताती हूँ मैं दो एग्जाम्पल लूंगी पहला एग्जाम्पल लूंगी एनएच थ्री और पीएच थ्री का किसका एन एच थ्री और पीएच थ्री का तो देखो अगर मैं एन एच थ्री को लूँ ये है नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे दो लोन पे एक लोन पेयर होता है और तीन हाइड्रोजन होते हैं होता है, है कि नहीं और फोस्फोरस पे बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है दिखता है कि नहीं पर ऐसा क्या है कि थ्री जो है उसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पी एच थ्री के अच्छा यहां पे तो मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की फोस्फोरस से ज्यादा है इसलिए है पर इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है देखो इसके रीजन को ध्यान से समझना इसी वीडियो में कवर कर रही हूं देखो नाइट्रोजन की जो साइज है इसके साइज़ पे छुपा हुआ है इसके पीछे का रास और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी जरूर छुपा हुआ है देखो नाइट्रोजन की जो साइज़ होती है ना वो बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू फोसफोरस क्योंकि फोसफोरस नाइट्रोजन के नीचे आती है और डाउन द ग्रुप एटोमिक साइज़ इनक्रीजेस तो इसके सा कम साइज़ होने के चलते ये जो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैचड है इसको और इसको और इसको पकड़ के देखो ये तीनों क्या होंगे बहुत पास पास रहेंगे हाँ और क्योंकि ये बहुत पास पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा और ड्यू टू तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा आपको इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगी समझ में आया यहाँ पे क्या होता है कि फोस्फोरस की जो साइज़ होती है एटॉमिक साइज़ वो क्या होती है बड़ी होती है ड्यू टू दैट यहाँ पे जो हाइड्रोजन 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 बॉन्ड्स जो है वो थोड़े सेपरेटेड होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम होती है ना आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन साइज और क्या है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बता रही हूं यहाँ पे मैं पूरी कथा नहीं लिखना चाहती अच्छा और क्या रीजन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन तीनों रीजंस के वजह से इन तीनों रीजंस के वजह से क्या है ये NH3 जो है वो than है ये जो वो इसको आप नोट डाउन कर लो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे, देती हूं और इसका भी आप वैसा ही एग्जाम्पल है आपको बस ऐसे बता देती हूँ इसका एग्जाम्पल है एच टू ओ और दूसरा है एच टू एस यहां पे भी आपको सेम चीज दिख जाएगी पर यहाँ पे आपको एक लोन पेयर की जगह दो लोन पेयर दिखेंगे और तीन हाइड्रोजन की जगह दो हाइड्रोजन दिखेंगे पर अगर आप इसको इस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा क्या आंसर है इसका ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से तो इसका मतलब क्या है h2o इज ग्रेटर देन h2s इन बॉन्ड एंगल समझ में आया अच्छा अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते इसके थर्ड पैरामीटर की ओर तीसरा पैरामीटर हमको बोलता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ऑर्डर का मतलब यह है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स टू कंबाइनिंग एटम्स समझ में आया जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आपको कितने बॉन्ड्स दिखेंगे हाइड्रोजन में आपको कितने बॉन्ड्स दिखेंगे एक दिखेंगे मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर है वन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लेते हैं ऑक्सीजन में आपको कितने दिखेंगे दो दिखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ दो लोन पेयर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही आप तीसरा है हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आपको कितने दिखेंगे तीन मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है तीन समझ में आ रहा है आपको अच्छा आगे बात कर लेते हैं हम किसके बारे में देखो आपने कभी सुना है बॉन्ड ऑर्डर कभी 1.5 हो सकता है मतलब 0.5 हो सकता है कभी सुना है क्या और केमिस्ट्री तो यही चीज़ पे फोकस करती है ना वो यही तो खोल के रखती है कि कुछ कुछ ऐसी भी ऐसी भी चीजें होती है जो एक्सेप्शन क्रिएट करके देती है तो हम बात कर रहे हैं ओजोन की और बेंजीन की यहाँ ये कुछ ऐसे महारती है जो बॉन्ड ऑर्डर को बिगाड़ के रख देते हैं क्या है इनके बॉन्ड ऑर्डर इनके बॉन्ड ऑर्डर्स है 1.5 1.5। और देखो पे ध्यान दो मेरी बात को 1.5 होने का पीछे का भी एक रीजन है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो स्टेबल नहीं है इसकी स्ट्रक्चर जो बनाई गई है ना वो जस्ट एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और इसके इमेजिनरी स्ट्रक्चर होने के पीछे का रीजन क्या है रेजोनेंस तो रेजोनेंस के चलते रेजोनेंस के चलते क्या हो जाता है यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाता है 1.5 और 1.5 हो जाता है ठीक है ना तो अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट की जो कि हो जाएगी हमारी बॉन्ड एनर्जी इस चीज को जल्दी से लिख लो मैं अभी रब आउट करने वाली हूं तो ध्यान दो लास्ट पैरामीटर मैं अभी बता रही हूं यहां पे लिखो बॉन्ड एनर्जी और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी में और बॉन्ड लेंथ में कोई फर्क नहीं है जस्ट मैंने जो बॉन्ड लेंथ में पढ़ाया था उसका पूरा ऑपोजिट बॉन्ड एनर्जी में बॉन्ड एनर्जी मतलब नंबर ऑफ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड मान लो कि अगर कोई बॉन्ड बन जाता है क्या हो जाता है जब कोई बॉन्ड बन जाता है तो क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है कब जब बॉन्ड बन जाता है वेन द बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी ठीक है ना ये तो इसका डेफिनेशन है मतलब कि अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है तो यहाँ पे और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड बन रहा है और दूसरा हाइड्रोजन हर हाइड्रोजन जो बॉन्ड बन रहा है इसमें से सबसे ज्यादा रिलीज एनर्जी किसमें हो रही है

दूसरी बात बॉन्ड लेंथ में एक और चीज़ जो थी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बॉन्ड लेंथ के वो क्या थी साइज साइज जितनी बड़ी उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइज जितनी छोटी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी समझ में आया यही स्ट्रेंथ को बताती है बॉन्ड के तो यहाँ पे हमारा पूरा बॉन्ड का पैरामीटर खत्म होता है इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी वैलेंस बॉन्ड थियोरी